बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम सब के दिलों को सुकून अता फरमा और हमारी तमाम परेशानियां, दुख तकलीफ दूर फरमा। सब लोग बोल दें आमीन। क्या पता हमारे आमीन कहने से किसी की परेशानी ख़त्म हो जाए। जहाँ 40 बंदे आमीन कह दें वो दुआ रद्द नहीं होती। तो भाइयों और बहनों, आज मैं आपको दो ऐसे अमल बताने लगा हूँ, जब भी दिल में कोई घबराहट या बेचैनी सी हो तो तीसरा कलमा पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला दिल को सुकून मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर दिल बिला वजह उदास है, किसी से बात करने को या कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, बेसुकूनी है, बेचैनी है, तो सूरा रात की आयत नंबर 28, अल्लज़ीना आमनू वतत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने से दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल होगा। इसके साथ भाइयों और बहनों, 5 वक्त की नमाज में सुकून है। अगर हम नमाज को अपना मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह ताला कभी ऐसी नौबत ही ना आए कि हमारा दिल परेशान या बेचैन या बेसुकून हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। हमें इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।